तो चलो फिर हम लोग ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया था ना, क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू? टिश्यू विच आर मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा तरह के बने होते। देख जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो जाइलम को देखो, जाइलम, तो जाइलम में मैंने बताया था क्या था, ट्रैकीड्स, ठीक है, ट्रैकीड्स था, पहले भी बता रखा था ट्रैकीड्स। अब ये क्या होता है बताओ, थिक वर्ल्ड होता है, ठीक, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड ट्यूबलाइक, इलोंगेटेड ट्यूबलाइक होगा, थिक वर्ल्ड इलोंगेटेड एंड ट्यूबलाइक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन्स, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा, पिट्स प्रेजेंट, पिट्स प्रेजेंट, इसमें पिट्स प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ये डेड होंगे, इनमें इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अब्सेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगा। जब भी डिपोजिशन होगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अब्सेंट होगा, ये बात याद रखना, समझ गए। तो ये थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड, ठीक है, थिक वॉल्ड याद रखना। अच्छा ये क्या करता है, ट्रैकीट्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स, एक बहुत स्पेशल पॉइंट इसमें याद रखना, बहुत स्पेशल पॉइंट, कि ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, एलिमेंट डिफर, यदि पूछा जाता है डिफर ईच अदर, डिफर टू ईच अदर बाय इट्स डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ओके। इसका मतलब जो भी ट्रेकियरी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं बाय डिपोजिशन, क्योंकि हर एक में क्या होगा, डिपोजिशन अलग अलग तरह का होगा। देखो कोई पीटेड होगा, कोई स्केलेरी फॉर्म होगा, कोई रेटिकुलेट होगा, तो अलग अलग होगा, अलग अलग तरह का डिपोजिशन होगा, इसलिए जो टर्टियरी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरह की दिखेंगी। ये क्वेश्चन आता भी है नीट में कि टर्टियरी एलिमेंट्स डिफर टू ईच अदर किस किस वजह से होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन, याद रखना, ओके। तो ट्रैकीट्स सबसे पहले किसमें आए थे, ट्रैकीट्स अगर देखा जाए तो ट्रैकीट्स फर्स्ट इवॉल्व इन टेरिडोफाइट, ओके, इसीलिए तो टेरिडोफाइट को ट्रैकियोफाइट भी बोलते हैं, इवॉल्व इन टेरिडोफाइट। अगर टेरिडोफाइट में आ गए हैं इसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी। आई बात समझ में कि नहीं भाई, जब कोई भी चीज अगर टेरिडोफाइट में आएगी तो जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऑब्वियसली वो प्रेजेंट होगी, समझ गए कि नहीं, ये बात जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, ठीक है, वो थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जहां पे डिपोजिशन नहीं होता, देखो ऐसे हुआ, ये ट्यूब लाइक है तो यही ऐसे बॉर्डर पिट्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बॉर्डर पिट्स बने होते हैं, ये पिट्स हैं इसमें, ठीक, ये पिट्स हैं। तो इस तरह से होते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि देखो जिस ट्रैकीट्स, देखो ट्रैकीट्स क्या होता है, मेन मेन टिश्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट, टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म, ये बात याद रखना, ये जिम्नोस्पर्म का मेन है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती, तो ये मेन टिश्यू है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो चलो एक बार ना दोबारा समझ लेते हैं। तो जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना वो क्या है, जाइलम का ट्रैकीट्स है, हम जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो ट्रैकीट्स है। पहली बात याद रखना कि थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, पिट्स प्रेजेंट होगा, पिट्स ऐसे पिट्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ओके, अगर मटेरियल का एक्सचेंज करना तो पिट्स प्रेजेंट होते हैं। डेड होता है, अगर कोई भी चीज डेड है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अब्सेंट होता है। हमने कहा कि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का, और ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स, जैसे कई तरह के
ब्रैकेट्स बनेंगे तो उन्हें ट्रेकेरी एलिमेंट्स लगते हैं, तो वो एक दूसरे से डिफर किसमें होते हैं, डिपोजिशन में। जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो अलग अलग तरह से होता है, तो इसलिए वो ट्रेकेरी एलिमेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेकेरी एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो फॉर द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और पूछा जाए किसका डिपोजिशन होगा तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा। ये बात क्लियर है, सख्त कर देता है ना ये। हाँ, लिग्निन, अरे भाई डिपोजिशन है तुम्हारा, बाकी लोगों से कॉन्टेक्ट काट देगा, और काट देगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े कि ट्रैकेट्स इज द मेन टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मेन टिश्यू है और ये उसको ये जिम्नोस्पर्म बहुत अच्छे से रखेगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट, मतलब हम हमको वेल डेवलप्ड बहुत अच्छा देखना है तो जिम्नोस्पर्म में। हां, वेल डेवलप्ड बहुत अच्छा देखना है तो आपको जिम्नोस्पर्म, देखो जिसका मेन टिश्यू है तो अच्छे से नहीं रखेगा इसको, समझ गए कि नहीं, वो अच्छे से रखेगा इसको। हमारी मेन स्किन है तो उसे अच्छे से रखें। हाँ, उसको अच्छे से रखें। नेक्स्ट हमारा होता है वेसल। वेसल भी क्या होता है, देखो अभी बताऊंगा कि जो ट्रैकेट्स है उसका ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है थोड़ा, और जो वेसल होती है उसका ल्यूमेन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है बस। तो वेसल जो होती है ये होती है लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक से, ये भी होती है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक से, ये भी ट्यूब लाइक होती है। ट्यूब लाइक सेल्स मेड फ्रॉम, ये बहुत है, मेड फ्रॉम, मेड या लिखो मेड बाय फ्यूजन ऑफ सेल, क्या फ्यूजन ऑफ सेल्स विच प्लेस वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है कि ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिपोजिट हो जाएंगे और इनकी जो वॉल होगी ये फ्यूज कर जाएगी, ये वॉल फ्यूज कर जाएगी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेसल। तो वेसल हैज ब्रॉड ल्यूमेन, क्या होता है ब्रॉड ल्यूमेन, ल्यूमेंस एंड पिट्स, और पिट्स आल्सो प्रेजेंट इन वेसल, प्रेजेंट इन वेसल, वेसल में भी पिट्स प्रेजेंट होता है, याद रखना किसी में भी वेसल में भी पिट्स प्रेजेंट। तो क्या होता है, ये जो होता है ये होता है इसका परफोरेशन प्लेट, क्या होता है परफोरेशन प्लेट। तो क्या होता है कि जो वॉल होती है ना सेल की, तो एंड वॉल ऑफ सेल्स बिकम परफोरेटेड टू मेंटेन द ट्रांसपोर्ट। भाई दो लोगों को अगर आप फ्यूज करवा रहे हो, ठीक है, दो लोगों को अगर आप फ्यूज करवा रहे हो तो एंड वॉल को तो परफोरेशन करना ही पड़ेगा ना, ऐसे परफोरेशन हो जाता है जिससे कि ये मटेरियल यहां से वहां जा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके मटेरियल का, समझे कि नहीं। अरे वो लड़का आ रहा है, उसको कॉन्टेक्ट कर, समझ गए कि नहीं। तो ये एंड वॉल जो सेल्स है बिकम परफोरेटेड, ठीक है, और परफॉर्म द, इसका मतलब ये जो परफॉर्म, ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट होगा जो भी वाटर इससे भी जाएगा तो ये भी जाएगा, तो ये भी देखो ये भी क्या होगा, ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजियोस्पर्म, कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजियोस्पर्म, ठीक। अब ये एंजियोस्पर्म में मेन टिश्यू होगा, अच्छा एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, वो भी होंगे मतलब ट्रैकेट्स भी होंगे, लेकिन मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा, ये होगा वेसल होगा, और परफोरेशन प्लेट बना लेती है, और ये परफोरेशन प्लेट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हुए चले जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट ऊपर होता चला जाएगा, समझ लेंगे नहीं। वेसल हैज ब्रॉड ल्यूमेन, याद रखना पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन वेसल, तो इसका ल्यूमेन ना ट्रैकेट से बड़ा होगा, अच्छा ल्यूमेन बड़ा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी तो ज्यादा होगा ना, ये बात याद रखना। इन डॉल मैंने बता दिया कि ये परफोरेटेड हो जाएगा जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, और मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है किसमें, एंजियोस्पर्म में। और भी इसके करेक्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है, और भी करेक्टर देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखते जाओ, ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना, तो ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है,
और जो सारी सेल्स होती है ना वो फ्यूज करके इसको बनाती है वेसल को, समझ गए? चलो तो और करेक्टर देखते हैं। अब क्या होगा, ये लिविंग होता है डेड, वेसल इज ऑल्सो डेड, ऑल्सो डेड होता है, ये डेड हो गए, ठीक है डेड हो गए। इसकी भी वॉल क्या होगी, थिक वॉल होगी, थिक वॉल होगी, थिक वॉल होगा। तो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसका मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होगा इसमें भी। आज का समझ याद रखना, इसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन है। अगर डेड है तो, डेड है तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट आर फाउंड होगा पेरिफेरी इन बोथ ट्रैकिट्स एंड वेसल। अगर थोड़ा मोड़ा प्रोटोप्लाज्म होगा ना तो ऐसे पेरिफेरी होगा, ऐसे साइड में होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म बचा नहीं है तो पेरिफेरी होगा, सेंटर में नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? तो ये अगर डेड है तो अपने न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गन सबको ये लॉस कर देती है, ठीक है। और बताओ, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट इन, सॉरी वेसल प्रेजेंट इन, अब कहा जाए कि वेसल किसमें प्रेजेंट होती है, तो वेसल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म एंड सम जिमिनोस्पर्म, जिमिनोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है और कुछ जिमिनोस्पर्म में होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे इलिट्रा नीटम एंड विल्विसिया, ठीक कुछ में होता है। अगर आपको अब्सेंट किया जाए तो सही है, अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि वेसल अब्सेंट इन जिमिनोस्पर्म तो ये बात भी सही है, आएगा समझ में कि नहीं? लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ में प्रेजेंट होता है तो यस, कुछ भी इसके पाए जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, पार्शियली डेवलप होगा, याद रखना पार्शियली डेवलप। मैं एक बात बहुत बहुत बार बोलता हूं, जरूरत पड़ने पर, हाँ हाँ वही नहीं कि जब कोई चीज नहीं आनी होगी तो उससे पहले का क्या होगा, स्टेज कम होगा ना, कम डेवलप होगा, जब आगे जाके डेवलप। जैसे हेटेरोस्पोरियन सीड हैबिट किसमें आया, टेरिडोफाइट में, लेकिन सीड को बनाया किसने, मतलब देखो हेटेरोस्पोरी तो कंप्लीटली आ गया लेकिन सीड जाके बना कहा, जिम्नोस्पर्म में और फ्रूट एंजियोस्पर्म में, लाइक पिचर प्लांट जो भी हो। तो ये कहने का मतलब है वेसल भी डेड होती है, थिक वॉल्ड होती है क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगा और अगर पाया भी जाएगा तो पेरिफेरी में होगा, वेसल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म याद रखना, एंड सम जिम्नोस्पर्म जो इफिट्रा नीटम एंड विल्विसिया है, अगर कभी अब्सेंट हो देगा ना तो अब्सेंट भी है, अब्सेंट भी रहेगा। अब बात हो गई, अब हमारा आ गया क्या, जाइलम फाइबर, ठीक है जाइलम फाइबर। वेसल भी वाटर को कंडक्शन करता है, जाइलम फाइबर क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड एंड होगा, पॉइंटेड एंड होगा, ये सब बता रखा हूं, ठीक। इसलिए करना पढ़ा था तुम्हें, फिर क्यों बोल रही तुम लोग के पढ़ा दियो, कॉम्प्लेक्स। चलो इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड होगा, ठीक। और क्या होगा, प्रोवाइड करता, देखो ये प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये क्या होगा, डेड होगा, डेड। और इसमें क्या होगा, मैंने पहले भी बताया डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा इसमें, ठीक। मैकेनिकल सपोर्ट की जितना ज्यादा फाइबर होगा वो उतनी ही हार्ड होगी, ठीक। अब जाइलम पेरेन्काइमा, पहला पॉइंट जो लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर याद रखना, कंडक्शन ऑफ वाटर, सीधे सीधे रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, और ओनली लिविंग कंपोनेंट, ओनली लिविंग कंपोनेंट, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, और ये ही केवल जाइलम का लिविंग कंपोनेंट होता है। और क्या रहेगा, पेरेन्काइमा, और यू नो कि अगर पेरेन्काइमा है तो स्टोरेज इन पेरेन्काइमा, हाँ पेरेन्काइमा कैन स्टोर स्टार्च, ठीक स्टोर को स्टार्च कर सकता है, स्टार्च को स्टोर भी कर सकता है।
तो जाइलम फाइबर जो होते हैं ये होते हैं इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड होगा, आप समझ जाओगे जब इलोंगेटेड और पॉइंटेड एंड होगा तो आप समझ जाओगे। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, होता ना जितना फाइबर अच्छा होगा कपड़ा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। डेड होते हैं, अगर डेड है तो डिपोजिशन है, और क्या होगा अगर ये है इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है अपसेट है। एक चीज जान लो कि वुड की जो हार्डनेस है ना, वुड हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाइबर्स के, जितने ज्यादा फाइबर्स होंगे वुड की हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। अनदर कंपोनेंट है जैसे कॉल्ड जाइलम पेरेंकाइमा, तो ये जाइलम पेरेंकाइमा ये पॉइंट मैंने बहुत पहले लिखा है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा, पानी का रेडियल कंडक्शन करेगा और यही एक लिविंग कंपोनेंट होता है और ये स्टोर भी कर सकता है किसको, स्टार्च को। तो ध्यान से समझो, पूरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप देखो जो ये हमारी जाइलम है ना, जाइलम तो जाइलम देखो यही वुड बनाएगी, यहां भी समझ लो यही लकड़ी बनाती है, ठीक है। जो लकड़ी बनती है जाइलम की बनती है, नहीं फ्लोएम नहीं बनाता भाई, लकड़ी जाइलम की होती है। कौन जलता है पे? जलता कौन है? लकड़ी जलती है ना, लड़की। हाँ लड़कियां ज्यादा जलती हैं। क्या होगा सर, वो ज्यादा जलती है, सही बात। अरे लड़की जलती है, जलती कौन है जो एक्स होगी, एक्स जाइलम हो गया। हाँ एक्स ही तो जलेगी, सही बात है, इसको किसी और के साथ देखेगी तो जलेगी। तो ये जाइलम है। अब जाइलम दो तरह का होता है, एक होगा प्रोटो जाइलम, अब मैं और दूसरा होता है मेटा जाइलम, ज्यादा मत बोलो। प्रोटो जाइलम मेटा जाइलम, नाम से प्रो का मतलब पहले, समझ गए, प्रो का मतलब होगा पहले, इसका मतलब जो पहले आए, पहले समझ गए ना। पहले को और क्या बोलते हैं, हाँ पाइनियर, पहले को पाइनियर भी बोलते हैं। अगर कुछ ग्रो करना शुरू होगा तो जो सबसे पहले आएगा वो पाइनियर होगा। कौन सबसे पहले आएगा पाइनियर, किसको बोलोगे? मारोगे थप्पड़? किसको, कौन पहले आएगा बता दो, तेरी जिंदगी में कौन पहले आएगा बे? हाँ प्यार, तो जिसको लाइक करेगा वही तो पहले आएगा। अब 10 लोग खड़े हैं बाहर अंदर आने के लिए, तू किसको बुलाएगा? जिसको तू लाइक करेगा, लाइक मतलब लाइकिंग पे, समझ गया कि नहीं। अब प्रोटो जाइलम का मतलब होता है अर्ली फॉर्म जाइलम, अर्ली फॉर्म जाइलम, जो जाइलम पहले बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटो जाइलम। प्रो मतलब क्या होगा, पहले। प्रोटो जाइलम का मतलब जानते हो कि वैस्कुलर टिश्यू है, तो जो जाइलम पहले बनती है उसी को अर्ली फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड प्रोटो जाइलम। दूसरा क्या कहोगे, लेटर फॉर्म जाइलम, लेटर या फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ का दो, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जो जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बने ना उसको लेटर फॉर्म। जैसे देखो सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है तुम्हारे लाइफ में, लेटर इन लाइफ होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अरे भाई तुम्हारे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, देर से होती है, क्या होती देर से, तो क्या है तुम्हारे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ, तेरी तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में दाढ़ी मूछा ना, अच्छा हाँ, नहीं क्या? ये साकर वाला क्या, इसका मतलब इसके अंदर नहीं आया क्या, ये सबसे बड़ी चीज है, समझ गए कि नहीं। तो प्रोटो जाइलम का मतलब होता है अर्ली फ्रॉम जाइलम, जो अर्ली बनेगा जो पहले बनेगा वो है वो प्रोटो जाइलम होगा, ठीक है। मेटा जाइलम का मतलब होता है जो बाद में बनता है या जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा, समझ गए। अब इसके बेसिस पे दो तरह के होंगे, इसके बेसिस पे दो कंडीशन होती है, एक होती है एग्जार्ज कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना होता है, और दूसरा क्या होता है इंडार्ज, ये बहुत पढ़ना होता है हमें, ठीक। एग्जार्ज और इंडार्ज, इसके कई सारे कंसेप्ट है। वैसे एग्जार्ज होता है रूट में और इंडार्ज किसमें होगा, स्टेम में, ठीक है। देखिए कई तरह से समझना होता है, कई लोग होता है जैसे स्टेम क्या होता है, मान लो स्टेम को क्या बोलते हो, एस मतलब सनम, तो अब तुम अपने सनम को बाहर रखना पसंद करोगे कि अंदर, छुपा के अंदर, अंदर कहीं भी तुम्हें सनम मिल जाएगी खट से अंदर चले जाओगे, तो इंडार्ज सनम इंडार्ज ऐसे समझ लो आप, ठीक है। या तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चीज इसमें बाहर होगी एक्चुअल में, जो एक्चुअल में अंदर होगी वो बाहर होगा और जो बाहर होगा वो अंदर होगा। स्टेम क्या होता है, बाहर, तो इस यहाँ क्या हो जाएगा अंदर, इंडार्ज। रूट क्या होती है, अंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तुमको कोई, या तुम शादी करने जा रहे हो तो क्या दोगे, इनविटेशन दे दोगे,
शादी करने जा रहा हो तो इनविटेशन तो तीन टाच करनी सदा ही होगी बेसिकली। या तो ये सनम वाला याद रखना, मैं तो ये याद रखना सनम मिलेगी तो अंदर चल गए एग्जिट जब लेंगे तो नीचे से तो जाम ले लेते हैं तो लूट नीचे रोक क्यों ऊपर से एग्जिट नहीं ले सकते क्या आप ऊपर से ले लोगे यहां नीचे तो जाओगे पहले आदमी एक पजामा हो सकता है ऐसे पैरलर वाला बना हो जैसे मेट्रो वगैरह बनाए तो इतने खतरनाक। अच्छा ठीक है एग्जिट हमेशा नीचे से लेते हैं तो रूट से जाके लेंगे। तुम देखो तुम अपने ढंग से समझ सकते हो मैं अपने ढंग से बता दे रहा हूँ जो समाज में चल रहा है कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो एक ये कहानी हो गई दो गोला बना देता हूँ दो गोले बना लो ठीक। अब तुम खुद ही देखना प्रोटोजाइलम को पकड़ो क्या प्रोटोजाइलम पीएक्स मतलब प्रोटोजाइलम ये मेटाजाइलम ऐसे लिख दिया चलो ये हमारा क्या है मेटाजाइलम और ये क्या है प्रोटोजाइलम। बात समझ में आ गई अगर हमारा प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है। अब देखो इसी के बेसिस पे अगर हम देखो अगर प्रोटो हमारा अंदर है तो इंडार्ज अगर हमारा प्रोटो बाहर है तो एग्जार्ज। हम प्रोटो वाला को पकड़ेंगे पहले वाले को तो पकड़ना है। देखो पहले वाला जो है जो बना है अगर वो अंदर है तो इंडार्ज और इंडार्ज किसमें होगा स्टेम में अगर वो बाहर है तो एग्जार्ज एग्जार्ज किसमें होगा रूट में। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी इंडार्ज कंडीशन। अगर हमारा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो कंडीशन क्या हो जाएगी एग्जार्ज कंडीशन। एक चीज और बता दो देखो सुनो एक बहुत तगड़ी बात बताता हूं जो प्रोटोजाइलम होता है ना उसकी वॉल इतनी थिक नहीं होती समझ लो और जो मेटाजाइलम होता है उसकी वॉल बहुत थिक होती है। अब रूट को वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है देखो जो मैंने समझा है ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना ऑस्मोसिस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब जो बाहर से होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए थिन वॉल होनी चाहिए। थिन वॉल होनी चाहिए मतलब प्रो वाली होनी चाहिए मेटा वाली ना हो तो मेटा वाली अंदर वाली रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर स्टेम में उसका अंदर से उल्टा चाहिए स्टेम में बाहर वाली सेल मजबूत होनी चाहिए क्योंकि अंदर से पानी बीच में से जाता है समझ गए कि नहीं ये कहानी है इसलिए वो अंदर बाहर होती रहती है। रूट को अपने चारों तरफ से पानी के एब्जॉर्ब करना है तो वो प्रोटोजाइलम को पहले रखेगा क्योंकि वो थिन वॉल्ड होगी और स्टेम में ये कहानी बदल जाएगी स्टेम में अंदर की तरफ से पानी बहेगा अंदर क्योंकि बाहर और सारे बार्क वार्क हो जाएंगे तो उसको अंदर की तरफ चाहिए ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है तो ये क्या हो जाएगा इंडार्ज और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है तो एग्जार्ज ठीक है। देखो अगर तुम्हारा सनम अंदर है ठीक है तो स्टेम इंडार्ज सनम अंदर है तो स्टेम इंडार्ज इसका मतलब तुम्हारा प्यार भी क्या है अंदर है तो प्यार अंदर आ गए तो